If one angle of a triangle is equal to half the sum of the other two equal angle, then the triangle is. तो एक ट्राइंगल बनाते हैं हम सबसे पहले. ये एक ट्राइंगल है ए बी एंड सी. ये ए एंगल, ये बी एंड दिस इज सी. इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, मान लीजिए वो एंगल मेरा ए है. वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ हाफ द सम ऑफ अदर टू. सो कौन कौन सा बचा है, बी एंड सी. यहां पर देखिए, और मुझे मालूम है मेरा बी किसके इक्वल है, मेरा बी सी के इक्वल है, क्योंकि टू इक्वल एंगल्स का सम बोला है तो बी और सी सेम होगा. तो मेरा ए कितना आया यहां पर फ्रेंड्स, ए आया मेरा. जब मैं सी को भी बी रखूंगा तो टू बी, और टू बी अपॉन टू, टू से टू कैंसिल आउट हो गया, मतलब ए इक्वल टू बी. और फ्रेंड्स बी इक्वल टू सी है, मतलब ए सी के भी इक्वल होगा. तो तीनों एंगल इक्वल है तो किस तरह का ट्राइंगल होगा, वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा. यहां पर देखिए हमने क्या किया है, यहां भी देखिए हमने एक एंगल को हमने एक्स डिग्री माना है. तो जो रिमेनिंग टू होंगे एंगल्स वो 180 माइनस एक्स होंगे, यस और नो? बिल्कुल. और जो रिमेनिंग टू एंगल्स होंगे लाइक बी और सी, वो दोनों आपस में इक्वल होंगे. तो जो रिमेनिंग एंगल होंगे 180 माइनस एक्स डिवाइड बाय 2 होगा. तो आप फ्रेंड्स समझिए, तो ये जो मेरा एक्स इक्वल टू 180 माइनस एक्स डिवाइड बाय 2 है, इसको मैंने सिंप्लीफाई करा, 2 का मल्टीप्लाई एक्स से करा, 2x बना, और माइनस का एक्स इधर गया तो प्लस का एक्स बन गया. सो 2x प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, तो 3x इज इक्वल टू 180, सो x इज इक्वल टू 60. तो अगर 60 डिग्री का वो एक एंगल है और मैं यहां पर रखूंगा तो 180 माइनस 60 इज 120 बाय 2 60. तो मेरे बाकी के दोनों एंगल भी 60 डिग्री के होंगे. तो इस तरह का क्वेश्चन में जिसमें इक्वल टू द हाफ द सम ऑफ द अदर टू की बात करेगा, तो हम क्या प्रूफ कर रहे हैं आपसे, ए बी सी आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे, तो हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल आंसर आएगा. ठीक है.